साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे, और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है। और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, शत प्रतिशत योजना लागू हो, जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब लाभार्थी उसके हक की चीज उसको मिलती है, सैचुरेशन का मतलब ही होता है वही सच्चा सेक्युलरिज्म है, वही सच्चा सामाजिक न्याय है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही ये हमारा मंत्र है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापिस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापिस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है, उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। भाजपा देश के हर नागरिक की परेशानी कम कर रही है, हर किसी के लिए नए अवसर बना रही है।